तब आत्मन वैभव संपद कर हरते इतर पै मत मंदम। साहब सच्चे पातशाह जी कहते ने कि सारे ही परमेश्वर दी हुक्म दी पालना ना कर सके, अलग हो गए अते अपनिया ही संप्रदावां रच लईयां, अपनिया ही जथेबंदियां बना लईयां। खालसा जी अज साडे विच भी उही पाणा वरत रहा है, जो असी एकता नूं छड के अनेकता वल तुर पए हां। जितनिया जथेबंदियां गुरु खालसे विच पैदा होईयां हन, इह सभी पंथ दीआं ही जथेबंदियां हन। जे उह भाव समझण, पंथ रूप हो करके, पंथ दे अनुसारी हो के, पंथ दी ताबिया विच श्रद्धा नाल जिवें सतगुरु दे घर विच आउंदे हां, इसे तरह ही पंथ नूं उह मिलण। पंथ तों अगे जद असी निहंग सिंह सजे हां, देखिया सारिया जथेबंदियां जोड़ मेलिया जाके अरदास करांदियां, हथ जोड़ दे अते जदों अरदास हो जांदी ते लंगर दी सेवा, देगां दी सेवा, चुल्हे लिपण दी सेवा, रेता लियाउणा, बर्तन सोधणे, इह सारी जथेबंदियां करदियां हुंदियां सन। लेकिन उह समां आ गया जदों इसे जाल विच इह फस गए। क्या असीं बुढ़ा दल कोई बहुता है, क्या उह कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने असीं उहनां तों अरदास कराईए, सानूं की लोड़ असीं कोई घटवां। माझे दी बोली है कि असी को घटवा उन्हां नूं को घटा सी, भाव ओ हंकार हो गया। हंकार होण करके पंथ तो अलग हो गए। ते खालसा जी किन्नियां खुआरियां आईयां, किस तरह खुआर होए हन सारे अते हो ही जांदे हन। जिन्हां चिर असी एक नहीं हुंदे उन्हां चिर खुआरी नहीं हट सकती। इस बीमारी दा होर कोई इलाज नहीं है, एकता तो सुआह। सो सारियां होर भी खालसे दीआं संगतां विच जो सहजधारी सिख ने इन्हां च जथेबंदियां बच गईयां हन, जो सारी अपनी अपनी मत चलाउंदे हन लेकिन परमेश्वर की आग्ञा तो अलग हो गए हैं। जिहड़ा भी परमेश्वर की आग्ञा तो अलहदा हुंदा है वह खुआर हो जाता है। तो इस वास्ते साहिब सच्चे पातशाह जी कहिंदे हन।